नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट ललकार और जानेंगे इस बार किसकी बनने जा रही है सरकार, क्योंकि 7 चरण चुनाव सकुशल संपन्न हो चुका है। अब बात एग्जिट पोल की जाएगी, तो हमारे साथ जो है डिबेट पर भाजपा से धीरज पाटिल जी हैं और राजनीतिक विश्लेषज्ञ के रूप में जो है विक्रम सिंह जी हैं और सपा नेता जो है अरशद खान जी हैं। अरशद जी, सबसे पहले सवाल आपसे लेंगे, क्योंकि अब की बार 400 पार बीजेपी कर रही है, तो आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, 400 पार नहीं, समाजवादी तो इस बार देख रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छी सीट समाजवादी गठबंधन लेके जा रही है। और हमारा तो ये मानना है, या इंडिया गठबंधन वालों का ये मानना है कि इस बार सरकार जा रही है। जौनपुर सीटों पर कैसे देख रहे हैं आप? जौनपुर सीट पे तो कुशवाहा जी चुनाव जीत रहे हैं, ये सभी लोग कहते हैं और हर सर्वेक्षण में हर लोगों की मत एक ही है कि जौनपुर से कुशवाहा जी चुनाव जीत रहे हैं। और जौनपुर की हॉट सीटों में मछली शहर भी आता है, तो वहाँ क्या लगता है? तो मछली शहर की दोनों की जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि आजमगढ़ की दोनों सीटें, जौनपुर की दोनों सीटें गठबंधन जीत रही हैं। और ये थे अरशद खान जी, जो कि सपा नेता हैं, उनका दावा है कि जौनपुर सीटों पर जो है साइकिल की रफ्तार बढ़ने जा रही है। तो बात करेंगे भाजपा नेता धीरज पाटिल से। धीरज जी, लगातार जो है विपक्ष अब घेरने काम कर रहा है, एग्जिट पोल की शुरुआत हो चुकी है। आज जो है हमारा नया न्यूज जो है एक एक्सक्लूसिव जो है एग्जिट पोल जनता के बीच लेके आ रहा है, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक नारा भारतीय जनता पार्टी का शुरू से है कि 400 पार, और ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, जो आज की 57 सीटों पर जो चुनाव संपन्न हुआ, इस चुनाव के बाद जो रिजल्ट वहाँ से मिल रहा है, जो सुनने को आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी 400 पार जा रही है। और विक्रम सिंह जी, आपके सामने आना चाहूँगा, क्या लगता है आपको? बहुत करीब से देखे होंगे, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तो कैसे देख रहे हैं पूरी समीकरण को आप? दरअसल देखिए, यह चुनाव जो है यह भारतीय जनता पार्टी करीब 2 साल पहले से इस चुनाव को लेकर लगातार तैयारी में जुटी हुई थी और वो लगातार हर स्तर पे जाके हर तरीके की उनकी टीम और सारी चीज़ें लगातार काम कर रही थी। गवर्नमेंट के तमाम ऐसे कार्यक्रम थे जो कि वो आम लोगों को टच करने के लिए लगातार बना रहे थे, और इसके उलट जो विपक्षी दल थे, जो इंडिया गठबंधन जिसको कहा जा रहा, वो इंडिया गठबंधन जो है वो आखिरी दौर तक, जब चुनाव के करीब 2-3 महीने ही बचे थे, तब तक ये एक साथ खुलकर, मतलब या इनमें एकजुटता दिखाई नहीं दे रही थी। ममता बनर्जी जी पहले जो है इंडिया गठबंधन के साथ रही, फिर वो अलग हो गई, और जो है बिहार में नीतीश जी फिर एनडीए में चले गए, तो ये जो भगदड़ मच रही थी, ये भगदड़ भी मची और ये एकजुट नहीं हो पाए। थोड़ा आपको उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में कुछ मतलब माहौल दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को साथ लेकर चल रही थी और 19 से अधिक, जितना कि कांग्रेस को शायद सीटें की उम्मीद भी नहीं रही होगी, वो 17 सीटें समाजवादी पार्टी ने उनको देकर अपने साथ जोड़ने का काम किया, कहीं क्योंकि समाजवादी पार्टी ये चाह रही थी कि उसके मतों का बंटवारा न हो। तो ये उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत कुछ इंडिया गठबंधन का माहौल दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता गया, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को घेरने का काम करती रही। आप इसमें एक चीज़ देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में भी अगर आप देखेंगे, तो चाहे आप मोदी जी के स्टेटमेंट को देखिए, उनकी रैलियों को सुनिए, चाहे आप योगी जी की रैलियों को सुनिए, चाहे आप शाह जी की रैलियों को देखेंगे सुनिए, ये कांग्रेस को ही टारगेट करते रहे, क्योंकि इनको लगता था कि कांग्रेस के को अगर हम टारगेट करेंगे तो चुनाव हमारा आसान रहेगा। वो समाजवादी और बिल्कुल जो है विक्रम सिंह जी, सवाल हम सपा नेता से लेते हैं, ये बताइए अरशद जी, लगातार जो है बीजेपी जो है राहुल गांधी पर निशाना साधती रही, तो समाजवादी पार्टी आखिर है कहाँ? समाजवादी पार्टी यूपी में मजबूत गठबंधन का साथी है और राहुल गांधी पर वो कर रहे थे कमेंट, तो जाहिर सी बात है हर पार्टी के मुखिया को ही टारगेट किया जाता है, ये राजनीति का एक हिस्सा है। विपक्ष भी मोदी जी के नाम पे ही टारगेट कर रहा था और वो राहुल गांधी के नाम पे, उनको लग रहा था राहुल गांधी ही अगले प्रधानमंत्री हैं। वाराणसी को कैसे देख रहे हैं आप? वाराणसी भी सीट बहुत मजबूत लड़ी है गठबंधन, वो
हो सकता है ये जीत जाए, लेकिन वहाँ वो जीत की जो मार्जिन होती थी वो इस बार नहीं है। कितने सीट लेकर आ रहे हैं यूपी में आप? आप मान लीजिए यूपी में टाई है, 40-40 का मामला, ये हमारा अपना एक बीजेपी तो कह रही 80 बार, 80 हम पा रहे हैं। बीजेपी तो 400 भी कह रही है, जो होना नहीं है, जो संभव हो उसी को कह रही है। वो तो एक टारगेट दिया जाता है ऐसे कार्यकर्ताओं के, ऐसे गली 40 में कहां कहां जीत रहे हैं आप? हम 40 लोकसभाएं हैं यहां, जैसे आप आपको आसपास की सीटें गिना दें, जौनपुर की 2 हो गई, आजमगढ़ की 2 हो गई, सुल्तानपुर हम जीत रहे हैं, कौशाम्बी जीत रहे हैं, घोसी जीत रहे हैं, गाजीपुर जीत रहे हैं, तो आप सर्वे करा लेते हैं। इन सारी चीजें तो आसपास के आपकी सभी गठबंधन के पास। और धीरज जी आप पास आएंगे क्योंकि भाजपा नेता आप हैं, तो सपा नेता का कहना है 40 हम जीत रहे हैं, यानी पूर्वांचल से आप हार रहे हैं, ऐसा आरोप है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी जौनपुर की दोनों लोकसभा सीट जीत रही है, आजमगढ़ की भी दोनों इस बार लोकसभा सीट जीत रही है, और इसके साथ पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो 80 का लक्ष्य है उसको पाने में 100% सफल हो रही है। और विक्रम जी क्या लगता है यूपी में जो है सीट किस तरह से जो है सर? देखिए अभी तक जो सर्वे आ रहे हैं या जो टीवी चैनलों पर जो सर्वे रिपोर्ट दिखाई जा रही है उसमें इंडिया गठबंधन को 6-10 के आसपास दिखा रहे हैं, तो उसको चैनल 12 भी दिखा रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि यह आंकड़ा 4-6 कम ज़्यादा हो सकता है। तो वोट मतलब इनके जो सपा के या इंडिया गठबंधन के जो सपोर्टर थे ये मुखर थे और ये ज़्यादा बोल रहे थे लेकिन आम लोगों को नहीं जोड़ पाए। तो उत्तर प्रदेश में मेरा अपना मानना है कि करीब करीब अगर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है तो 15 के आसपास इंडिया गठबंधन। और विक्रम जी जौनपुर की बात कीजिए, धनंजय सिंह का नाम आता है, तो धनंजय सिंह चुनाव के समय जो है बीजेपी के साथ थे, तो क्या लग रहा है तो धनंजय सिंह की कुछ बेनिफिट मिलेगा बीजेपी को उनके आने से? निश्चित तौर पर धनंजय सिंह एक बड़ा चेहरा थे जौनपुर के चुनाव के लिए और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और उनका मतलब अंतिम समय में चुनाव से बाहर हो जाना और फिर उनका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करना, तो वो एक बड़ा चेहरा है, उनके अपने एक सपोर्टर हैं, तो उससे कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे फ़ायदा मिला होगा ऐसा मेरा मानना है। और धनंजय सिंह के जो सपोर्टर थे आखिरी क्षणों में उन्होंने लोगों से मतलब इस चीज़ के लिए अपील भी किया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, तो इससे भाजपा को फायदा निश्चित तौर पर। और धीरज जी आप पास आए कि धनंजय सिंह और ठाकुर समाज एक बड़े चेहरे हैं तो बीजेपी के साथ खड़े रहे, तो सपा नेता कहना है तो बीजेपी जो है पूर्वांचल से जा रहे हैं जौनपुर दोनों सीटें हार रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? ऐसा नहीं है, धनंजय सिंह बहुजन समाज पार्टी से उनकी पत्नी ने टिकट लिया, चुनाव लड़ने की उनकी पूरी तैयारी हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ समझ में आया कि ये बहुत बड़ी हम गलती करने जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में पुनः वापस आए, और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए उन्होंने सिर्फ कहा नहीं कैंपेनिंग भी की, और सिर्फ जौनपुर की एक सीट नहीं जौनपुर की दोनों सीट पे बड़े पैमाने पे कैंपेनिंग धनंजय सिंह जी ने खुद किया और साथ ही साथ पूर्वांचल की कई सीटों पर जाकर उन्होंने कैंपेनिंग की। और धीरज जी क्या लगता है यूपी में कितने सीटों पर आप कब्जा जमाने जा रहे हैं? हमें जहाँ तक लगता है कि हम 75+ रहेंगे। पूर्वांचल कुछ सीटों का नाम बता दें जहाँ जीत दर्ज करने जा रहे हैं? पूर्वांचल की लगभग सभी सीटों पे, अगर एक दो सीटों को छोड़ दे तो लगभग सभी सीटों पे हम लोग जीत रहे हैं। कौन सी सीट आप हार रहे हैं क्या लग रहा है? अभी तो नहीं कहा जा सकता, एक दो सीटें ऐसी जिसमें असमंजस की स्थिति है। सपा नेता जी कह रहे हैं आप आजमगढ़ हार रहे हैं। नहीं आजमगढ़ हम हार रहे हैं, जौनपुर हार रहे हैं, पचली सर भी जीत रहे हैं, बलिया हार रहे हैं, गाजीपुर हार रहे हैं। सपा नेताओं का कहना क्या काम ही क्या, कुछ तो बचा ही नहीं है, तो अभी देखिए अभी कुछ ही देर बाद वो ईवीएम पे रोना शुरू कर देंगे, वो माथा पीटना शुरू कर देंगे, सर पटकना शुरू कर देंगे, जैसे कि अभी अखिलेश जी ने एक संदेश जारी किया है कि आप लोग बहकावे मत आए, ईवीएम पे ध्यान दीजिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक अपने कार्यकर्ताओं के लिए संदेश जारी किया, अभी से उनका रोना गाना शुरू हो चुका है। नेताजी ईवीएम पर रोना गाना शुरू हो गया है जो कि आरोप है भाजपा नेता का? ये आरोप नहीं, सत्यता के करीब है, ऐसा हुआ है इसलिए लोग उसकी बात करते हैं, ऐसा कभी ना हुआ होता तो इसकी बात इसके पहले कभी जहां से नहीं। आप हारते हैं तो ईवीएम दूसरी हो जाता है, तो जहां जीते तो ईवीएम दूसरी होता नहीं, ऐसी बात नहीं, ये पश्चिम बंगाल जीत जाएंगे तो ईवीएम सही हो जाएगा, कहीं से भी दिल्ली जीत जाएंगे ईवीएम सही हो जाएगा, लेकिन अगर आपके घर में चोरी हुई है तो आप तो सतर्क रहेंगे ना उसके पास, अगर आपके घर में चोरी हुई है तो आप उसके पास सतर्कता बरतेंगे कि नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात। और रही बात जौनपुर की, बात ये कर रहे हैं आप, जान लीजिए संजय सिंह कैसे वो बैठे नहीं है, बैठाए गए, ये पूरा जिला कहता है। आप एक ही नेता थे समाजवादी पार्टी के, वो भी आगे भाजपा में, तो
धनंजय सिंह भी जब जा सकते अरे हैं तो लाके जा सकते देंगे तो क्या होगा, आदेश का पालन करना है सबको, सब छोड़ देंगे आगे, जान सब भाजपा के साथ आ गए कैसे गए, वरना धनंजय सिंह का जो मामला है आप ये सोच लीजिए एक बार, जिसको जिस तरीके से लाया गया जेल का फाटक दिखा के, वो उनके लोग कैसे बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे, एक कॉमन सेंस की बात है, आप इसको देखिए। मछली शहर क्या लग रहा है, प्रिया सरोज जीतेंगी या मौजूदा सांसद जो फील करेंगे? मछली शहर तो बहुत पहले से उनका विरोध था, जो वहाँ भाजपा के सांसद हैं उनका बहुत बुरे विरोध था, और वो खुद वहाँ ठाकुर समाज पर जो है CST बहुत लगवाए थे, वो तमाम लोग उनके विरोध खड़े हुए थे, वहाँ तो बहुत आसानी से जीत हो रही है। समाज विक्रम जी मछली शहर की बात कर रहे हैं, वहाँ विरोध था, क्या क्या हकीकत है बुराई है? देखिए जो विरोध की बातें हैं वो जो भी सांसद रहता है या जो भी सरकार रहती है कहीं कहीं एंटी इंटरमेसी की बात होती रहती है, और लेकिन पिछला जो लोकसभा का चुनाव अगर उसके रिकॉर्ड को हम देखेंगे तो जब सपा और बसपा ये दोनों एक साथ थे उस समय तो VP सरोज जीत गए थे, तो अब दोनों दल अलग अलग लड़ रहे, तो मुझको तो नहीं लगता कि वहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में चुनाव जा सकता है, और बाकी तो 4 जून को सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी कि क्या। और बिल्कुल जो है ये नेताओं की बात थी, एक बार हम जो है ग्राउंड रिपोर्ट से जो है जनता की बात भी ले लेते हैं, तो जनता क्या कहती है तो पूरी रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनाव की 7वें चरण जो है साकुशल संपन्न हो चुकी है, बात एग्जिट पोल की जा रही है, क्योंकि जनता जनार्दन ने किसे अपना सांसद चुना है और कौन जो है यूपी के चर्चित जो सीट हैं कौन राज करने जा रहा है, तो कौन दिल्ली के सिंहासन पर बैठेगा। तो हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के युवा नेता पंकज गुप्ता जी हैं। पंकज जी, अब तो परीक्षा आपने दे दिया, परिणाम आना बाकी है क्योंकि एग्जिट पोल की बात की जा रही है, तो क्या लग रहा है? देखिए पहले तो आपका स्वागत है, दूसरी बात यह है जहाँ तक कि एग्जिट पोल की बात है तो मछली शहर और जौनपुर ये दोनों सीट हम प्रचंड जीत पे हासिल करने जा रहे हैं, 1,00,000+ ये जान लीजिए मछली शहर और जौनपुर, बाकी 80 सीटों में 79 सीट हमारा होगा गठबंधन का। इतना कॉन्फिडेंस, एक सीट कौन सा नहीं होगा आपका? वही KTU, और उस पर भी कांटे की लड़ाई है, कुछ कहा नहीं जा सकता, चूँकि इस बार यह चुनाव न इंडिया गठबंधन लड़ रही है, न BJP लड़ रही है, न मोदी लड़ रहे हैं, ये स्वयं जनता लड़ रही है। महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का। पंकज जी आप एक युवा नेता हैं तो लगातार आप जनता के बीच जा रहे थे अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर, क्या मुद्दा रहा इस बार चुनाव में? देखिए इस बार मुद्दा तो सर्वप्रथम रहा है लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का। संविधान खतरे में कैसे हो गया? BJP तो करे कोई खतरे में नहीं है। आप देखिए क्यों नहीं है, जो है वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब आप क्या समझेंगे या लोग क्या समझेंगे? दूसरी बात, युवा बेरोजगार हमारे बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सारे पेपर लीक हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कहें तो या कहीं कुछ जो है चर्चित सीट आजमगढ़ में क्या लग रहा है? आजमगढ़ में तो हम प्रचंड जीत हासिल करेंगे। रायबरेली भी जीतेंगे, अमेठी, आपको तो बता दिया हमने कि 79 और एक सीट पे तो हमारा कांटे का टक्कर है, यानी वाराणसी में आप कांटे की टक्कर मान रहे हैं, अजय राय पे भरोसा कम है? नहीं, अजय राय पे भरोसा क्यों, कहाँ कम रहेगा, इंडिया गठबंधन उनके साथ है, भरोसा किस बात का कम रहेगा? 4 जून को क्या लगता है क्या होगा? 4 जून को इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, और एक प्रकार से कह लीजिए कि जो जनता चुनाव लड़ी है 543 सीटों पर, वो स्वयं सरकार बनाने जा रही है। ये थे हमारे साथ जो है पंकज गुप्ता जी, इनका जो है दावे कितनी सच होते हैं तो समय बताएगा, लेकिन 4 जून जो परिणाम आएगा तो इमरतियाँ जरूर बटेगी, क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मन से इमृति बांटने की बात कहते तो वही योगी आदित्यनाथ ने भी जौनपुर में जनसभा के दौरान कहे थे कि 4 जून की इमृतियाँ बटेगी। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा जौनपुर और मछलीसर सीट पर कौन जीतता है। जौनपुर से विवेक कुमार, नारटन न्यूज़।
और धीरे जी फिर आपके पास हम एक बार आना चाहेंगे, क्योंकि इस बार जो 4 जून को स्मृति बटेगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने जनसभा में कहा था और सपा नेता अखिलेश यादव ने भी अपने जनसभा में ये बात कह चुके हैं, तो क्या लगता है स्मृति यादव बटेगी, स्मृति किसके तरफ से बटेगी, क्योंकि परीक्षा आपने दे दिया है, परिणाम जो है 4 जून को आनी है। परिणाम क्लियर है, स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और जौनपुर में मैं आपको बता दूं 1,00,000+ वोटों से माननीय श्री कृपा शंकर सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं। और विक्रम क्या लगता है जौनपुर की सीटों पर ऊंट किस करोड़ बैठेगी? देखिए जहां तक मेरा अपना आकलन है कि जौनपुर सीट में कृपा शंकर सिंह चुनाव जीत सकते हैं, और लेकिन जीत का आंकड़ा कितना बड़ा होगा ये कह पाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि यहाँ जौनपुर में जो वोटर था काफ़ी साइलेंट था, तो अस्पष्ट रूप से यह तो नहीं बताया जा सकता कि 1,50,000 कितने से जीतेंगे, लेकिन कृपा शंकर सिंह जीतेंगे ऐसा लगता है। और विक्रम जी मोदी लहर 2019 में भी थी, बीजेपी कमल खिलाने में जौनपुर सीट पर असफल रही, क्या लगता है इस बार जो है बीजेपी के बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी जो है जौनपुर जनसभा की क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा? देखिए 2019 की इस चुनाव से तुलना करना गलत होगा, क्योंकि 2019 में उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख राजनीतिक दल जिनका अपना एक बड़ा आधार है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे में यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रहे उस समय के वर्तमान सांसद थे कृष्ण प्रताप सिंह केपी सिंह, वो 80,000 के वोट के आसपास हारे थे, तो मेरा अपना मानना है कि अगर बहुजन समाज पार्टी कितना भी खराब प्रदर्शन करेगी तो इससे तो अधिक ही वोट वो पाएगी, तो ऐसे में तो पिछले चुनाव की तुलना करना 19 में भारतीय जनता पार्टी तमाम लहर के बाद हार गई थी और इस बार कैसा होगा, तो क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अलग हो चुकी है तो इसका नुकसान जो है वो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं या जो विपक्षी दल हैं उनको सामना करना पड़ेगा, इसका फायदा। और विक्रम जी एक बात है, चुनाव के समय था एक नारा थी एक जो विपक्ष जो है लगातार कह रही थी संविधान खतरे में है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इस बातों को बुनाने में लगी थी, क्या लगता है आपको? देखिए राजनीतिक दल है, आप वोटर को अपनी तरफ करने के लिए अपने साथ जोड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, संविधान कोई ऐसा नहीं है कि संविधान को कोई ऐसे ही बदल सकता है पलट सकता है या संविधान को समाप्त किया जा सकता है, चुनाव है, चुनाव में मतों के ध्रुवीकरण के लिए कोई संविधान को खतरे में बताता है तो कोई बताता है कि हिंदू खतरे में है, तो ये चीज़ें चुनाव में होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे वो भी वोट को सेंट्रलाइज करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते रहे जिससे वोट का मतलब वोट एकजुट हो सके एक प्लेटफार्म पे आ सके और मुस्लिम समाज को लेकर मंचों से बातें कही गई, तो ये चुनाव का एक सीधा सा फंडा रहता है कि खौफ दिखाकर वोटों को सेंट्रलाइज करने का, इसमें सभी दल करते हैं ये कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता जी आपसे लेना चाहूँगा सवाल, संविधान खतरे में है लगातार आपको इस बात को कहते दिखाई दिए, तो कहाँ खतरे में? मैं एक लोग देखते हैं फिर अंदाज़ा लगाते हैं, जैसे आरक्षण आप समाप्त मानिए, जितनी सरकारी चीज़ें थी प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया गया, उसके पीछे का जो मकसद है उसमें आरक्षण का कोई भर्ती ना होने पाए, यही तो एक सिस्टम है, अब उसको वो लिखित में करना चाह रहे थे 400+ चाह रहे थे, तो खतरे में नहीं है बीजेपी कहाँ कहेगी, ये देखिए तमाशा है, झूठी बात कहने का काम है। आप ये बताइए जिस सरकारी संस्था का गठबंधन है उस कांग्रेस ने सैकड़ों बार संविधान बदले, सरकारी संस्थाओं में ही तो आरक्षण मिलेगा, संविधान की आत्मा के साथ प्राइवेट देगा आरक्षण, आप उठा के देख लीजिए आप उठा के देख लीजिए आप समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहेंगे, जो कांग्रेस ने कितने बार संविधान बदला, सरकारी संस्थाओं को बेच दिया गया, कई बार नियमों को बदल दिया, समाप्त है ना, जनता कहाँ जा रही है इस बार, जनता तो गठबंधन के साथ उसके समझ में आई देर आई लेकिन समझ में आई, एक बार आप ये मान चलिए 80 समाज का बहुत बड़ा 60-70% वोट इस बार गठबंधन को, 80 समाज का जितना भारतीय जनता पार्टी ने ख्याल किया है उतना किसी पार्टी ने नहीं किया, 80% वोट कुशवाहा जी को गया है, और तो तमाम लोग जुड़े हुए हैं इस बार गठबंधन के साथ, और ये आप मान के चलिए कि बहुत अच्छा मामला बीजेपी का इस बार नहीं रहेगा। धीरे जी आपने देखा अरशद खान क्या कह रहे हैं, वो एकदम सरासर आरोप इन लोगों का गलत है, मैं जिनके साथ इनका गठबंधन है सैकड़ों बार से ज्यादा इन्होंने संविधान के नियमों को बदलने का कार्य किया है, यहाँ तक कि संविधान निर्माता ने जो चीजें उसमें बनाई थी उसकी जो आत्मा थी उसके साथ भी कांग्रेस ने बदलने का कार्य किया। विक्रम जी लगातार जो इस तरह से आपने दोनों को बयान सुना तो क्या लगता है आपको?
देखिए एक चीज़ तो स्पष्ट है कि इस देश में एक बार फिर से जो है भाजपा की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं अगर उसमें हम 50 सीटें कम भी कर देते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है। तो ये चीज़ तो तय है कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और विपक्षी दल है, इनको चाहिए कि आगे के चुनाव की तैयारी में जुट जाएं, और वो आम लोगों के मुद्दों को लेकर जो सड़क पर उतरने का काम होता है, जो उसके लिए संघर्ष करने का काम होता है, इसको इनको करना होगा। जब तक ये सड़क पर लोगों के साथ उतरकर उनके समस्याओं को लेकर अगर संघर्ष नहीं करेंगे और एसी में बैठ कर राजनीति करते रहेंगे, तब तक जो है इस एग्जिट पोल का तो आप जानते हैं, वही बता रहे एग्जिट पोल जो चुनाव से पहले आसपास था उसी को रिपीट कर रहे हैं चुनाव के बाद, ये उसमें कुछ नया नहीं बता रहे हैं। 300+ है लेकिन 300+ वो इसके पहले, अच्छा चुनाव के पहले भी तो यही पोल था, उसी को रिपीट कर रहे हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने ये कहा कि हमारे प्रवक्ता नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले से जानकारी है। वो तो सभी मीडिया वाले जो बैठ पाए उन्हीं को अगले जी को तो सारे लोग 10 साल से बजा रहा मीडिया ही इनको लग रही है। कैसे ये उम्मीद हो सकती है कि वो सही बात करेगा? इनको संसद बिका हुआ लगता है, मीडिया बिका हुआ लगता है, इनको तो हर चीज बिकी हुई लगती है। लेकिन ये मान के चलिए आपकी इस बार जो है मामला ये जा रहा है और कांग्रेस सरकार बना दी जा रही है। धीरज जी अबकी बार 400 पार की बात करते थे तो एग्जिट पोल में जो है 300 पार। देखिए एग्जिट पोल आपने विधानसभा चुनाव में देखा होगा, 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव था जिसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सुपड़ा साफ दिखाया जा रहा था। आपने देखा होगा कि आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ऐसे तमाम जगहों पे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। तो एग्जिट पोल जो 350 आप देख रहे हैं, आप अभी देखिएगा कल तक के एग्जिट पोल में 400+ भारतीय जनता पार्टी सीट लेके आ रही है। और बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के नेता वेद प्रकाश जायसवाल जी, वेद जी कैसे देख रहे हैं आप इस रिपोर्ट को? विपक्ष की देख लीजिए, चेहरे पे देख लीजिए, हवाइयाँ उड़ गई हैं, चेहरे पर से रौनक खत्म हो गई है। विपक्ष भी जान गया है कि अब जो पूरा भगवानमय था, है और रहेगा, इनके चेहरे पर देख लीजिए। और हम लोग जो है दोनों जो यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं विपक्ष की, हम देख रहे हैं जो अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ, सोच लीजिए ये अपना कुंडली दिखा रहे थे, कुंडली बता रहे थे हम यहाँ जीत गए। मान भाजपा जो 80+ जीत, 80 का 80 सीट जीत रही है, ये ध्यान दीजिए। एकाध दो सेट में अगर ये सेंध लगा ले तो बड़ा कामयाबी, क्योंकि इनके जो है राहुल गांधी भी, राहुल बाबा भी जा रहे हैं और जो है सब लोग जा रहा है। भाजपा था, वह रहेगा, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा सबके जेहन में, यही पार्टी थी, यही पार्टी के लोग थे जो कार सेवकों को गोली चलाए थे, जो वोट देने जा रहे थे वो अपने सीने में पत्थर रख के जा रहे थे, जान रहे थे कि ये सब जो है सनातनों को नष्ट करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। सीटों कैसे देख रहे हैं? जौनपुर के सीट दोनों जीते हैं हम लोग, और लगभग 2,00,000+ वोटों से हम लोग जीत गए हैं, क्योंकि हमारे वोटर बहुत साइलेंट है, हमारे वोटर वो हल्ला करने वाले नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो तो विपक्ष के चेहरे पर देख लीजिए, एकदम हवाइयाँ उड़ गई हैं, जैसे लग रहा है कि कहीं जबरदस्ती बैठा के इनको डिबेट कराया जा रहा है। जौनपुर के वरिष्ठ नेता से एक बार हम जो है फोन के माध्यम से जानकारी ले लेंगे। तो हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं और वहाँ के अनिल गुप्ता जी हैं जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, तो जानेंगे उनसे क्या है जौनपुर समीकरण की। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है नारायण न्यूज़ पर आपका। सवाल आपसे ये है कि जौनपुर सीट पर समीकरण क्या कह रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल अब शुरू हो चुकी है? देखिए जौनपुर सीट पर जो है जो दो ही प्रत्याशी ज़्यादा लड़ रहे हैं, बाकी बसपा का भी लड़ रहा है, बसपा का जो अपना वोट बैंक है वो तो उसको मिलेगा श्याम सिंह यादव का, लेकिन जो है जो साइकिल और कमल की लड़ाई है, साइकिल क्या है जो उनके प्रत्याशी कुशवाहा जी हैं उनको वर्ग विशेष का वोट मिल रहा है, तो दो तीन वर्ग हैं जो उनके मिल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिल रहे हैं कृपा शंकर सिंह को, वो हर वर्ग, हर जाति, हर बिरादरी को वोट मिल रहे हैं, जो मोदी जी की वजह से छूटे हैं। ये मोदी जी की योजनाएँ, योगी जी की योजनाएँ हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ इधर 10 साल में लोगों को मिला है। जनता समझदार है, जनता को सब मालूम है कि जो लोग टकाटक टनाटन ये कह रहे हैं वो लोग ना 50 वर्षों में कुछ किए थे पिछले, जो 50 वर्ष कांग्रेस को मिले और इधर जो कुछ वर्ष इनको मिले सपा बसपा को, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी ने जो करके दिखाया है वो
उसकी वजह से कोई भटकने वाला नहीं, कोई इधर उधर जाने वाला। अनिल जी, दो पिछले लोकसभा चुनाव में भी मोदी लहर थी, आखिर जौनपुर सीट पर कमल खिलाने में आप लोग असफल रहे, तो क्या लगता है इस बार जनता सपोर्ट की है? नहीं देखिए, पिछली बार जो है चूक हो गई थी और जनता ने चुना तो लोग जिसको श्याम सिंह यादव को चुना, लेकिन श्याम सिंह यादव ने क्या दिया, 5 साल में न कहीं रहे, न दिखाई पड़े, न कोई नाली खलंजा, सड़क, बिजली व्यवस्था या जो भी कोई व्यवस्था है, कहीं भी वो उसके भागीदार नहीं बने। आम जनता ने तो देखा ही नहीं, हम लोग भी तो सब जगह जा रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में, कहीं भी हमने श्याम सिंह यादव को नहीं देखा, तो हो गई पिछली बार जो चूक हो गई, आम जनता है हम लोगों से, अब वो चूक जो है इस बार जनता नहीं करने वाली है। जनता समझ गई है कि सपा बसपा कांग्रेस के लोग ये वोट पाकर फिर चले जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नीति की सरकार जो है वह हर क्षेत्र के लिए काम कर रही है। अगर श्याम सिंह यादव ने 5 साल कुछ नहीं किया, उसके बावजूद यहाँ पर विकास कार्य रुके नहीं, विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। अनिल जी, 4 जून का नतीजा क्या होगा, क्योंकि योगी जी ने कहा था मन से 4 जून को इमरतियाँ बटेगी। वो माननीय मोदी जी ने भी कहा था, और वास्तव में मैं जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ लोग हमसे कह रहे हैं कि अनिल जी इमरती हमें चाहिए 4 जून को, आम जनता कह रही है, इसका मतलब जिसको राजनीति से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं, वो भी उत्साह में आकर कह रही है कि वह हमें 4 जून की इमरती चाहिए, उसका मतलब है कि आम जनता के भीतर जो कार्य माननीय योगी जी माननीय मोदी जी ने किया है वो कार्य लोगों को सीधे लाभ पहुँचा है, लोगों के खाते में सीधे पैसे पहुँचे, कोई बिचौलिया नहीं था, कोई दलाल बीच में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल चुनाव में नहीं आते हैं, सबसे बड़ा असर ये है, हम लोग 12 मास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के द्वार पर जाते हैं, विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हैं, हर 3 महीने हर 4 महीने पर कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़े नेता छोटे नेता हमारे संगठन के आदेश पर लोगों के। अनिल जी, कितना सीटें लेकर आ रहे हैं आप एग्जिट पोल में, तो 300 पार दिखाई दे रही है? 300 पार नहीं, 400 पार दिख रहा है, NDA 400 पार है, भारतीय जनता पार्टी को 390 सीटें मिलेंगी जो दिख रहा है, और NDA गठबंधन को 425 सीटें पक्का मिलेंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे जुड़ने के लिए। तो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है 400 पार की दावे कर रही है, तो धीरज जी एक बार फिर आपके पास आते हैं, तो क्या लगता है, तो लगातार विपक्ष घेरने काम कर रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है बीजेपी की हवा हवाई निकलने जा रही है। देखिए, अब तो चुनाव हो गया है, 4 जून को ये पता लग जाएगा कि साइकिल पूरी तरह पंचर हो चुकी है, हाथ जो है वो पूरी तरह गायब हो चुका है, और जो बाकी के वो झाड़ू से लेके तमाम जो उनके गठबंधन लालटेन बुझ चुकी है। आप देखेंगे 4 जून को इंडिया गठबंधन पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जोड़ी थी 17 में भी अगले सर राहुल की, कुछ कमाल नहीं कर पाई, अब बात 24 की है। तो नहीं, इस बार कमाल कर रही है, इस बार जनता जुड़ी है, इस बार तभी सभी लोग गठबंधन के साथ आके खड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म और संप्रदाय को, चाहे वो किसी जाति को, तमाम लोग आके खड़े हुए हैं गठबंधन के साथ। और इस बार गठबंधन उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, सभी अप्रत्याशित लगेगा आप लोगों को, और ये सच है कि गठबंधन इस बार बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा है और सरकार बनाने जा रहे हैं। धीरज जी, मोदी लहर की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है जनसभा से कह रहे थे हमारे प्रत्याशी के सामने वाला बटन दबाएंगे तो मोदी सरकार जो है बनेगी, आखिर क्या वजह थी कहने की? देखिए, वो तो स्पष्ट है, लोग मोदी जी की नीतियों को लेकर बहुत खुश है, आज मोदी जी की नीतियाँ सिर्फ देश नहीं विदेश में भी, आज लोग विश्वगुरु मान रहे हैं मोदी जी को जो है, आज कहीं विदेशों में अगर युद्ध होता, विदेशों में कहीं भी किसी भी देश में आपस में युद्ध होता है तो आप देखते होंगे सबसे पहले अगर कहीं कॉल आता है तो भारत के प्रधानमंत्री के पास आता है कि आप उसको सुलह समझौता कराइए। तो आप समझिए, मोदी जी सिर्फ देश में लोकप्रिय नहीं है, देश विदेश में लोकप्रिय नेता है, इसलिए मोदी जी जो का कहना है कि एक ऐसी सरकार पुनः आप चुनिए जो हमारे देश के साथ साथ हम भारत देश के जो ख्यातियाँ हैं वो विदेशों में भी जिस तरह आगे बढ़ रही है वो और आगे बढ़े और देश विश्वगुरु की तरफ। और विक्रम जी, वाराणसी में कैसे देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का ये तीसरी बार प्रधानमंत्री जो बनने जा रहे हैं, जो चर्चा है, तो तीसरी बार जीत दर्ज करने जा रहे हैं जो कि एग्जिट पोल में बता रहा है, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बनारस का तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो वहाँ से मोदी जी का जीत सुनिश्चित है। हाँ, थोड़ा बहुत मार्जिन का मामला हो सकता है, और ये चुनाव में भाई ये तो हो नहीं सकता कि सारे चुनाव में एक जैसे
वोट पड़ेंगे, प्लस माइनस होता रहता है, तो मार्जिन का मामला हो सकता है, जीत का तो कोई बात ही नहीं है। और मोदी जी के आने के बाद बनारस का तस्वीर बदला है, वहाँ पर तमाम डेवलपमेंट हुए हैं, काशी कॉरिडोर बना है, और इससे निश्चित तौर पर विकास को जनता जब देख रही है तो उनके साथ तो रहेगी रहेगी। दूसरी चीज़ एक मोदी जी देश के बहुत बड़े चेहरे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो किसी भी क्षेत्र से अगर चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ का वोटर जो होता है वो चाहता है कि हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कोई बड़ा राजनीतिक व्यक्ति करे, कोई प्रभावशाली करे, तो जिससे क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है। तो मोदी जी की जीत की तो कोई बात ही नहीं, उनका तो जीत सुनिश्चित है, इसके बारे में तो कोई चर्चा तो कोई मतलब ही नहीं। हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के नेता ऋषि यादव जी जो है फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषि यादव जी, परीक्षा हो चुकी है, परिणाम 4 जून को आना है, जौनपुर सीट पर समीकरण क्या कहती है? समाजवादी पार्टी अच्छे मतलब से जीत रही है, चूँकि बहुत बेहतरीन और बहुत यहाँ पे जो पीडीए का संकरण बना है, बहुत अच्छा संकरण यहाँ पे, अच्छा मतलब वोटिंग हुई है। और इसी यादव जी, बीजेपी कर रही 400 पार, एग्जिट पोल में भी जो है 300 प्लस दिखाई दे रही है। देखिए एग्जिट पोल में और वोटिंग में बहुत अंतर है, ये जो भी एग्जिट पोल दिखा रहा है, ये तो 4 तारीख को ही आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया गठबंधन कितना अच्छा बढ़ दिया है, कितना अच्छा हो गया है। आप चुनाव हुआ है, महाराष्ट्र हुआ है, बेरोजगारी का मुद्दे हुआ है, तो कहीं ना कहीं से आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया गठबंधन बहुत धन्यवाद ऋषि जी जुड़ने के लिए। धीरज जी, लगातार जो है सपा के लोग कह रहे हैं इस बार बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया है, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़े, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, कोई भी मुद्दा इनके पास नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से आज आप देख रहे होंगे, घर घर अनाज योजना हो, अन्य योजना हो, सारी योजनाओं का लाभ, आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, किसानों को किसान योजना हो, ऐसी सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो जनता मोदी जी की नीतियों से बहुत खुश है और पुनः मोदी जी की नीतियों पर चलकर जनता उन्हें वोट दी है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 400+ सीट लेके आ रही है। विक्रम जी, आप चलते चलते एक सवाल आपसे लेंगे, इस बार विपक्ष कह रही है महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, क्या आमरा? निश्चित तौर पर बेरोजगारी का मुद्दा चुनाव में काफ़ी मतलब प्रभावशाली दिख रहा था, इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन उसको वोट बैंक में तब्दील नहीं कर पाई जो भी इंडिया गठबंधन थी। कारण यह था कि जो वोटर थे उनको ये विश्वास नहीं, मतलब ये विपक्षी दल उनको दिला सके कि उनकी सरकार बनने वाली है, वो इतने मजबूत है कि वो सरकार में आ सकते हैं। इनकी जो घोषणाएँ हो रही थी या रोज़गार को लेकर जो बातें कर रहे थे, तो पब्लिक इनकी बातों को सुनती थी। बेरोजगारी का मुद्दा उसके दिल को चुभता भी था, कहीं ना कहीं उसको इस बात की पीड़ा थी कि रोज़गार लोगों को नहीं मिल पा रहा है और पर्चा लीक हो जा रहा है और इस तरह की बातें थी, लेकिन वो वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाया, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जो वोटर था उसको यह भरोसा नहीं था कि इंडिया गठबंधन जो है वो केंद्र में सरकार बना सकती है, इसकी वजह से वोटर जुआ नहीं, मुद्दा था। 4 जून का नतीजा क्या होगा, चलते चलते समाजवादी पार्टी के नेता अरशद जी से मिले थे। अरशद जी, सवाल ये है 4 जून जो कि 2 दिन के बाद 4 जून आएगी, तो कैसे देख रहे हैं? 4 जून भाजपा शून्य, आप ये मान के चलिए कि 4 जून के बाद कांग्रेस की सरकार नेतृत्व में सरकार बन रही है और तमाम लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट किया है। अब इस चुनाव में भाजपा ने, अच्छा, भाजपा के किसी कार्यकर्ता या नेता से आप ये नहीं सुनेंगे विकास की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, ये सब तो समाजवादी पार्टी के लोग आप जान लीजिए कि 2014 के पहले देश में आतंकवादी हमला पूरे भारत में होता था, जो है गठबंधन से जोड़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा दंगे होते थे। मैं अरशद भाई से पूछना चाहता हूँ, हमारे 2017 के बाद एक भी दंगा अगर हुआ हो भाई साहब, आप बताइए, एक भी दंगा अगर 2017 के बाद आप कहीं भी बताइए, कहीं भी आप बता दीजिए के बाद दंगा हुआ, लेकिन 2017 के पहले दंगा ही दंगा होता था। आप उठा के आरटीआई रिपोर्ट ले लीजिए, 2017 पहले सबसे ज्यादा दंगा समाजवादी पार्टी के हो जाता है और झगड़े बंद हो जाते हैं। चाइना हमारा जमीन का प्रयोग करके बैठा हुआ, वहाँ कोई जाना नहीं है, अब विश्व का जो है ये सपना दिखा रहे हैं, विश्व में डंका बज रहा,
बताइए चाइना हमारा कितने ये तो कांग्रेस की देन है जिसके साथ आपने गठबंधन किया है। कांग्रेस की देन है कि आज आज राहुल गांधी भारत के विरोध में जाके चाइना की गोद में बैठ के बोलते हैं। आप उसी के साथ गठबंधन किए हैं, आप उसी के साथ गठबंधन किए हैं। जवाब दीजिए, भाजपा नेता कह रहे हैं दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुकी है। हाँ, दंगा मुक्त भी हो गई, अपराध मुक्त भी हो गई। आप सर कहीं भी आप मुझे बता बात, इन लोगों की बातों को तो विश्वास ही छोड़ दीजिए। आप गूगल पे चले जाइए, करिए सर्च, क्या करिए, सारी डिटेल आ जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ एकदम आप डिटेल लीजिए जी। आप सवाल आपसे है, 4 जून को ये कह रहे हैं भाजपा शून्य हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन का जो गुब्बारा में जो अभी हवा उनको लग रही भरी हुई है, वो जब 4 जून को आप रिजल्ट आएगा, गुब्बारा फट जाएगा पूरी तरह, हवा खत्म हो जाएगी, साइकिल पंचर हो जाएगा, लालटेन घूम जाएगा और उसके बाद हाथ भी मुरझा जाएगा, सरकार बनाएगी और जितने झाड़ू वाले पहले ही साफ हो चुके हैं। तो 4 जून को भाजपा शून्य हो जाएगी, समाजवादी पार्टी के नेता का आरोप है। सारे विपक्ष का 4 जून के बाद टिकट कट गया है, बाहर विदेश जाएंगे, मसाज करवाएंगे, वो तो पहले ही टिकट लेंगे। इन लोग का यही हर चुनाव के बाद गुम हो जाते हैं और भाजपा फिर विकास की राह पे चलेंगी, क्योंकि यूपी में हर राज्य में ये सब लोग जनता जान गई है कि हमको दंगाइयों को नहीं लाना है। जो दंगाइए हैं, जो राम के नहीं हुए, तो जो राम का नहीं हो किस काम का। ये जब राम के अपराधी हैं, जो राम को मानने वाले नहीं हैं, उनको जनता कहाँ से लाएंगी। ये आरक्षण की बात अभी कर रहे थे, ये हमारे एक विपक्ष के बैठे हुए हैं, ये आरक्षण है, हम लोग काट के सब इन्हीं को मुसलमानों को मिल जाएगा। और जनता भलीभांति जान रही है, जनता भलीभांति जान रही है, जनता ये वही भैंस वाला मुद्दा है, भैंस है, मुर्गी है, इनका मंगलसूत्र उनका। अरे मैं इतना सोना आपने बढ़ा दिया चबूतरे पे, आप तो लोग धागा बांधेंगे। अब मंगलसूत्र तो आपने छीन लिया, मंगलसूत्र तो आपने छीन लिया, के बाद सिक्कों का नसार कांग्रेस ने करवाया। 74,000 सोना हुआ, कितने मंगलसूत्रों को उजाड़ दिया, दे रही थी तब मंगलसूत्र बन रहा था, अब ये छीन चुके हैं। गोली चलवा के आपने कितने लोगों का मंगलसूत्र उजड़वा दिया। सबसे ज्यादा विदेश दौरा कौन करता है हिंदुस्तान में, ये भारत का फायदा आज कहीं देश में कुछ भी होता है, विदेशों में लोग मोदी जी को पूछते हैं। तो क्या कहेंगे नेताजी, नेताजी फेल हो गए, नेताजी के पास कारण कुछ है ही नहीं। आज तक इनकी सरकार थी, बुआ बबुआ से लेके चुनाव लड़े हार गए, दो लड़कों की जोड़ी जनता ने ठुकराई, अब की जनता ढकेल के भगा रही है, ये लोग अब क्या कहेंगे। और दूसरी चीज एक मिनट, अभी हमारे भाई साहब कह रहे हैं विदेश में प्रधानमंत्री, अगर आपके कोई रिश्तेदार विदेश में हो, आप अभी तो तत्काल फोन लगाइए, भाई साहब के होंगे पक्का। आज उनका सम्मान कितना भारत में बढ़ रहा होगा, पहले यही था पाकिस्तान की तरह एयरपोर्ट पे जाते हो कपड़ा उतरवा के तलाशी होता, आज कोई एक इंडियन बता दे जो कपड़ा उतार के तलाशी होता हो। आज इनके रिश्तेदार तमाम होंगे, आप इनके रिश्तेदार को फोन लगा के पूछ लीजिए आज उनका कितना मान सम्मान मोदी की वजह से बढ़ा होगा। इनकी मजबूरी है, ये पार्टी के कार्यकर्ता है बोलेंगे, पर अंदर से हमको तो विश्वास है इनके घर वाले भी भाजपा को वोट दिए होंगे, पक्का मैं 100% बता रहा हूँ। भाजपा के लोग हम ऐसे हवा नहीं बोलते, इनके घर से भी 3 तलाक का मुद्दा होगा, अगर ऐसे कुछ होगा तो भाजपा को वोट जाएगा, ये 100% मुद्दा। हम ये सब इन लोगों का वो है दबली है, मैं बता रहा हूँ दबली ज़्यादा बजाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। आप ये मान के चलिए बिरयानी अगर किसी को अच्छी लगी पाकिस्तान की, तो हमारे प्रधानमंत्री जी को लगी, वो बिना बुलाए चले गए बिरयानी खाने। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये उसको उसकी बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ डंका इनको ऊपर से कादे से आता है, ये गली गली चौराहे चौराहे घूमने लगते हैं। आप बताइए हाँ, इनको बिरयानी कहाँ, मणिशंकर कहाँ से आते हैं, हर चुनाव में जो है उनको पाकिस्तानी नजर आता है, एक कांग्रेस के जो है नेता है वो पाकिस्तानी रहते हैं, हर चुनाव में निकलते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान। जैसे हमारे मोदी जी का है, इस समय जो है अध्ययन कर रहे हैं वहाँ पे कन्याकुमारी में, ये क्या करते हैं पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, चुनाव आता पाकिस्तान पाकिस्तान, और वही पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है यार, तक हमारे मोदी जी की देन है कि जो है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक घूमते हैं। आज कहीं नहीं स्टेशन पे लिखा होता है कि लावारिस सामान छून सावधान, लावारिस सामान मत छूइएगा, बम हो सकता है खिलाऊंगा। आज इनकी भी बिटिया बेटवा जाते होंगे तो सीट पे आराम से सोते हुए जाते, पहले तो इनको इनसे पूछ लीजिए, पहले रात भर ये जागते थे एसी का टिकट कटा के, रात भर जागते थे एसी से लगते थे कि कहीं बम न फट जाए साला कहीं कहीं ना। ये बताइए पीएम मोदी जी साधना में लीन है तो क्या क्या कैसे देख रहे हैं आप? साधना में लीन नहीं थे, वो प्रचार पे गए थे, वो पूरा हुआ, अब जो है ये वोट खत्म होगा फिर आ जाएंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
विक्रम जी, विक्रम जी, सवाल अब है प्रधानमंत्री जो है आस्था की जड़ी जो है साधना में लीन है और विपक्ष जो है लगातार सवाल खड़ा कर रहा है, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, पूजा अर्चना साधना यह व्यक्तिगत हर आदमी का अपना एक अधिकार है या उसका अपना एक इच्छा है, वो जब भी चाहे साधना करे, पूजा करे। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी अपना किसी धर्म के प्रति एक आस्था है, तो इस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। और लेकिन चुनाव है, इलेक्शन है, क्योंकि वोटिंग बाकी थी, उसके पहले वो साधना के लिए चले गए, तो विपक्षी दल को लग रहा था कहीं कहीं वोटों को क्लाइज करने के लिए इस तरह से कर रहे हैं, या चुनाव प्रचार बंद हो चुका है, टीवी चैनलों के माध्यम से खबरें चलाकर वो अपने को पब्लिक के बीच में बनाए रखना चाहते हैं। देखिए, ये सब बातें अलग हैं, लेकिन मोदी जी की एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए कि लगभग तो यह है कि मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, अभी तक जो एग्जिट पोल आए हैं उसको देखने के बाद यही लग रहा है। मोदी जी ने एक बड़ी बात कही जिसमें अभी विपक्षी दल ध्यान नहीं दे पाए, और उनको आखिरी चरण के चुनाव में चाहते तो इसका वो उठा सकते थे। मोदी जी ने कहा है कि चुनाव के सरकार बनने के जो 6 महीने हैं वो काफ़ी मतलब अलग होने वाले हैं, उसमें कुछ खास हो सकता है, ऐसा मोदी जी का स्टेटमेंट आया है। तो अब सरकार बनने के बाद देखना होगा कि मोदी जी इन 6 महीने जो उन्होंने बताए हैं कि उसमें कुछ बड़ा होगा, कुछ अलग होगा, तो उसमें कौन से ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो देश को देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, सरकार के कुछ ऐसे निर्णय होंगे जिससे कि कुछ बड़े निर्णय होंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाला 6 महीना जो है वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए निश्चित तौर पर अलग होगा, बड़ा होगा। तो बिल्कुल जो है ये अलग अलग जो है नेताओं की राय थी, असली परिणाम जो है 4 जून को आएगा, तो 4 जून को पता चलेगा दिल्ली के सिंहासन पर कौन राज करता है। तो 4 जून की जो परिणाम की नतीजा देखने के लिए आप लगातार जो है नारा टक न्यूज़ पेज पर जुड़े रहें, आपको पल पल का अपडेट हम समय समय पर दिखाते रहेंगे।